हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर दोस्तों जब से Redmi Note 7 इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो इस वजह से दोस्तों जो Xiaomi दोस्तों काफ़ी ज़्यादा किंग बन चुका है मार्केट में। और ऐसे में दोस्तों जो Asus Max Pro M2 स्मार्टफोन है वो दोस्तों Redmi Note 7 के सामने कहीं खोकर रह गया है। तो ऐसे में दोस्तों Asus ने फैसला ये लिया है कि यहाँ पर हम नया स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों Xiaomi Redmi Note 7 और Note 7 Pro दोनों ही स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन के कुछ लीक्स फीचर्स के बारे में, और ये दोस्तों इसकी कितनी प्राइसिंग होगी, कब लॉन्च होगा, सारी डिटेल आपको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए Asus Max Pro M3 के लीक स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन में। तो इसका मतलब जो डिस्प्ले है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाली है स्मार्टफोन में। यानी कि दोस्तों जो फोन है, फोन का स्क्रीन वो काफ़ी ज़्यादा झकास होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके बैक डिज़ाइन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो Redmi Note 7 स्मार्टफोन है उसमें भी दोस्तों आपको ग्लास बॉडी वाला लुक आपको देखने को मिल जाता है, और दोस्तों वो एकदम प्रीमियम लुक आपको देता है। कुछ इसी टाइप का दोस्तों आपको Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास बॉडी वाला आपको दोस्तों डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन में, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रेडियंट लुक देखने के लिए मिल जाएगा आपको Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन में। यानी कि दोस्तों ये फ़ोन Redmi Note 7 को स्क्रीन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर देने वाला है, और डिज़ाइन के मामले में भी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर दोस्तों जो Redmi Note 7 है ये दोस्तों 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में आता है। तो ऐसे में दोस्तों Asus ने भी इसको टक्कर देने की ठान ली है, और ऐसे में दोस्तों वो भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा ला रहे हैं अपने स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों 48 मेगापिक्सल का कैमरा रियल होने वाला है, या फिर दोस्तों वो भी Xiaomi की तरह 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल कुछ इस टाइप का दोस्तों जोड़ के बनाने वाले हैं, यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको डुअल रियर कैमरा LED फ्लैश के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा रियर साइड में Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन में। और यहाँ पर अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है विद LED फ्लैश के साथ में। यानी कि दोस्तों ये जो Asus Max Pro M3 स्मार्टफोन है इसमें दोस्तों जो 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो दोस्तों Xiaomi Redmi Note 7 से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको Xiaomi Redmi Note 7 में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन ये तो पिक्चर क्वालिटी जज करने के बाद ही पता चलेगा यहाँ पर कैमरा किसका अच्छा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा इसमें स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर। अब दोस्तों अंडर क्लॉक होने वाला है या फिर दोस्तों आपको रियल प्रोसेसर देंगे इसके बारे में भी कोई भी खबर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर स्नैपड्रैगन आपको 675 देखने को मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छा Redmi Note 7 से भी दोस्तों बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर दोस्तों ये 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज के साथ में आपको इंडिया मार्केट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर दोस्तों जो इसकी शुरुआती कीमत होगी वो होगी दोस्तों 12,999 रुपए, और दोस्तों आगे के वेरियंट्स की प्राइसिंग क्या होने वाली है इसके बारे में अभी कोई भी खबर नहीं आई है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन आपको मार्च में आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर दोस्तों मार्च में नहीं तो दोस्तों जो अप्रैल का दोस्तों जो शुरुआती महीना वहाँ पर आपको देखने के लिए स्मार्टफोन मिल सकता है। और यहाँ पर Asus Max Pro M3 अगर इस प्राइसिंग के साथ में और इस लीक्स रूमर्स के साथ में अगर दोस्तों इंडिया मार्केट में आता है तो काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा देगा। तो मुझे उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।